Hi everyone, yesterday we read about electrochemical series. Today we will discuss about some properties of electrochemical series. Dear student, हमने कल electrochemical series को के बारे में आपको बताया था और इसको याद आपको कैसे करना उसके लिए ट्रिक भी बताया था. आज हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं. तो हमने कल आपको बताया था आयरन था और आयरन का रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट से करा दिया था तो आयरन सल्फेट और कॉपर क्रिएट हुआ था. आज हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं. तो देखिए, जैसे उल्टा हमने क्या किया था, जब कॉपर सल्फेट लिया था और इसका रिएक्शन आयरन से कराया था तो आपको आयरन सल्फेट और कॉपर मिल गया था. बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने ले लेना है आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट हमने ले लिया और इस आयरन सल्फेट का रिएक्शन हमने क्या करना है, कॉपर से करा देना. तो ये रहा आपका कॉपर. अब जब आप आयरन सल्फेट का रिएक्शन कॉपर से कराएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगा. मतलब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना. और इसको हम मॉलिक्यूल्स फॉर्म में दिखाएं तो आयरन सल्फेट इट मीन्स FeSO4, देन कॉपर Cu, इट गिव दैट नो रिएक्शन, ठीक है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें आपका कॉपर और आयरन इन दोनों में क्या रहता है, आपका कॉपर आयरन के नीचे रहता है और आयरन ऊपर रहता है. आयरन ऊपर है तो आयरन मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है. तो लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. सो वी कैन से दैट अनलेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस आमोर रिएक्टिव मेटल बिकॉज, देखिए हमने क्या कहा है अभी तक, जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जी दी रिएक्टिविटी of iron is high than copper, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कॉपर है, आयरन है, वो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना. तो आप देखिए, जब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करने ही नहीं देगा, ठीक है ना. आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा ही नहीं. आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन की. अब हमने रिएक्शन कराना है जिंक से. सो आवर हेडिंग इज रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन.